हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस में। आपका अपना भरोसेमंद, हमेशा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के हित में सोचने वाला एकमात्र संस्थान JINC जोधपुर। ऑनलाइन कोचिंग क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम शेड्यूल क्या है, वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट थिंग्स कि JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो किसके लिए प्रिपेयर की गई है, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर की गई है। हियर यू कैन सी एम्स नॉर्सेट, ऑल इंडिया सभी एम्स के नॉर्सेट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके लिए कंप्लीट सिलेबस होगा। सफदरजंग दिल्ली, DSSB डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, RRB, ESIC, RML, SGPGI, वो SGPGI कोई भी हो सकता है, PGIMER, इवन ZIPMER पॉन्डिचेरी, CHO, सभी स्टेट के CHO एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स टीम JINC के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। यदि हम इस कोर्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकेशन जो हमने पुट किया है सिलेबस से पहले, ड्यूरेशन जो है 6 मंथ का, कम से कम ये कोर्स आपको कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ कंसिस्टेंट स्टडी करना जरूरी होगा। लगभग एवरी डे हम बात करें तो 4 to 6 आवर यदि आप स्टडी करोगे तो इस कोर्स को आप 6 मंथ में पूरा कर पाओगे, बिकॉज डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ रैशनल दिया हुआ है। एक एक वीडियो में एक एक रैशनल कि पोटेशियम क्यों बढ़ा, क्यों कम हुआ, बॉडी में क्या वेरिएशन आया, इस तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो कम से कम 1 सिलेबस कंप्लीट करने के 6 मंथ का ड्यूरेशन आपको चाहिएगा। दूसरा पूछेगा वैलिडिटी कितना, ये कोर्स एक बार आपको परचेज करने के बाद नेक्स्ट 1 ईयर तक आपके पास आपके ऐप में वेबसाइट JINC पे अवेलेबल होगा। इस वीडियोस को आप कितनी भी बार देख सकते हो, 1 बार 2 बार 10 बार 100 टाइम्स कितने भी टाइम्स आप देख सकते हो। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन जो हमने पुट किया है इस कोर्स के अंदर, HD क्वालिटी के रिकॉर्डेड वीडियो, ये ध्यान रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, रिकॉर्डेड वीडियो होगा HD क्वालिटी में, या लाइव क्लास का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस दिन आप सिलेबस परचेज करोगे उसी दिन मैक्सिमम वीडियोस आपके पास ऐप में अवेलेबल होगा, रिमेनिंग वीडियो 1 or 2 डेज में हम लोग लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो यहां पर क्लासेस जो है आपकी अपनी सहूलियत से जब भी आपको टाइम है, व्हेन यू हैव टाइम, आप क्लास को अटेंड कर सकते हो। क्लास अटेंड करने का तरीका क्या होगा मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगा। ये तो बात हो गई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की, ड्यूरेशन क्या, वैलिडिटी क्या है। देन अब आपके जहन में चल रहा होगा कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे ताकि आपको मदद करेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने में। तो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट with detail description with image, then medical surgical nursing जो किसी भी competition का key का काम करता है, selection में key का role play करता है, तो medical surgical nursing complete syllabus, even fundamental of nursing जिसमें skill based भी होगा, basic भी होगा, pediatric nursing जिसको हम child health nursing बोलते हैं, उसके अलावा OBG and gynec, normal abnormal दोनों होगा, then psychiatric nursing, उसके अलावा साइकोलॉजी, कुछ टॉपिक आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साइकोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, उसके अलावा CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट सिलेबस, देन माय डियर न्यूट्रिशन, देन माइक्रोबायोलॉजी, देखिए बच्चों डिसइंफेक्शन स्टरिलाइजेशन इवन इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, काफी टॉपिक जो है माइक्रोबायोलॉजी से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, वो लेक्चर के वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। उसके अलावा फार्माकोलॉजी जहां पर 5 से 7 MCQ हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, देन नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, इमेज और वीडियो बेस्ड, इवन ICU OT इमरजेंसी विद फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
कोई भी एग्जाम इस सिलेबस से क्रैक कर सकते हो, चाहे वो पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस हो, चाहे वो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस हो, चाहे वो पीएचडी का एंट्रेंस हो, या किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सिलेबस यही होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। ये मेजर सब्जेक्ट जो आपके सामने डिस्प्ले किया है, इसके हर वो यूनिट का टॉपिक होगा जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपको बताती है। फर्क इतना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ टीचर आपको ये भी बताएगा कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इस तरीके से पूछा और इस तरीके से पूछा जा सकता है, और दैट विल बी स्ट्राइक ऑन योर माइंड कि हाँ इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना है। सिलेबस का सिस्टम जो वही होगा, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा, लास्ट यूनिट तक आपको टीच किया जाएगा, और ये कंप्लीट सिलेबस जो है टीम जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जिसने अभी तक पिछले 6 सालों में 10,000 प्लस सिलेक्शन दिए, उस टीम के द्वारा बनाया गया सिलेबस है, जहां मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलते हैं, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसके अलावा यदि हम बात करें कि एग्जाम का शेड्यूल और मॉड्यूल्स क्या होगा, यदि कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स परचेज करता है तो एग्जाम कैसे देगा, तो मैंने यहां मेंशन किया है, यूनिट वाइज सीबीटी टेस्ट है, हर यूनिट के बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आप जेआईएनसी जोधपुर के ऐप पे दे सकते हो। उस टेस्ट में हमने प्रीवियस 5 ईयर के वो रिपीटेटिव क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पहले यूनिट पूरा स्टडी करोगे, यूनिट के बाद आपको वहां पर टेस्ट मिलेगा, टेस्ट देना होगा, और टेस्ट देने के बाद में उसी टेस्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, और यदि उसमें ऐसा कोई एमसीक्यू है जिसका रैशनल आपको चाहिए, वो रैशनल भी मिलेगा कि ए राइट है तो क्यों है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है। इस तरीके से आपकी टीम जेएनसी ने हर यूनिट के बाद मॉड्यूल पेपर जो है वो पुट किए जा रहे हैं। देन आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट मस्ट बी अटेंड, मतलब आपको हर यूनिट के बाद में टेस्ट को अटेंड करना मस्ट बी कंपल्सरी, देन यू विल गो फॉर नेक्स्ट यूनिट, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। अब तरीका क्या है, हाउ टू स्टडी, कैसे हमें इसको पढ़ना है कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को, सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, ऐप पे, वेबसाइट पे आप लैपटॉप एक्सेस कर सकते हो, ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। जब आपका कोर्स ओपन होगा तो कोर्स में सारे सब्जेक्ट दिए होंगे, सारे सब्जेक्ट को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यदि आपने स्टार्ट किया फंडामेंट ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया, यदि आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट किया, तो आपको अपने नोटबुक में फंडामेंट को जब आप स्टार्ट करते हो तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि आपको बिना नोट डाउन किए हुए उस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, सुनना, समझना, यह पहला स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल आपको वाइटल साइन का टॉपिक मिला टेम्परेचर, तो पहले पूरा टेम्परेचर आपको उस वीडियो में सुनना होगा, समझना होगा, वहां काफी चीजें आपको स्ट्राइक करेगी, हाँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप एक माइंडसेट बना पाओगे। सेकंड राउंड में अगले 1 आवर के बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाने। ये जेआईएनसी टीम के द्वारा एक टफ डिसीजन है, कुछ बच्चों को अडॉप्ट नहीं होता है, हम पीडीएफ नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की पीडीएफ जेएनसी आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, हमें दुकानदारी नहीं करनी, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, और पीडीएफ तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है बच्चों, तो पीडीएफ क्यों नहीं देते, उसका रीजन बताता हूं। पहले आपको वीडियो को सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, देन यू विल मेक योर सेल्फ नोट्स। यहां पर आप सिलेबस में उस टॉपिक का 30% जो है आप लर्न कर लोगे एक बार वीडियो देखने से। जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे तो 40% आप लर्न करोगे, टोटल कितना हो गया बच्चों, 70% का काम हो गया। 30% जो रिमेनिंग है वो 30% आप जब टेस्ट पेपर दोगे क्लियर हो जाएगा, मतलब 100% उस यूनिट का आउटपुट आपसे चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट योर सिलेक्शन, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए बच्चों। मैंने कहा था ना 6 मंथ का, आप चाहो तो 1 साल में पूरा कर सकते हो, नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, आप 6 मंथ में कोर्स को पूरा करिएगा, अगले 6 मंथ में रिवाइज करिएगा, क्योंकि 1 ईयर वैलिडिटी के बाद दोबारा लेने की कोशिश ना करें, 1 साल का टारगेट बनाना है और इसी 1 ईयर में आपको सिलेक्शन लेना है। हजारों की तादाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी आती है, यदि आप 6 मंथ में सिलेबस को रिवाइज कर पाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती है। ये कंटेंट, ये टीम जेआईएनसी का आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि एक बार 6 मंथ में सिलेबस पूरा करें, नेक्स्ट रिवीजन तक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेगी। ओके फाइन। इसके अलावा जितना मैंने आपको बताया इसमें मेनली जो चीजें आपको शॉर्ट रिवाइज की उस पर आपको फोकस करना है। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएससी जोधपुर। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कमिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जय हिंद, जय भारत।